भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की गई विकास भवन में स्थित निपुण भारत योजना के कंट्रोल रूम का बेंगलोर से आई आईटी टीम ने निरीक्षण किया, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की गई निपुण भारत योजना के तहत देश के पहले निपुण भारत निगरानी केंद्र को गोरखपुर के विकास भवन में स्थापित किया गया है, जिसका बेंगलोर से आई टेक्निकल टीम ने निरीक्षण किया, क्योंकि इसी टीम ने दीक्षा ऐप को भी बनाया है, जिसको देखते हुए टीम को 3 महीने का अनुभव शेयर किया गया और जो दिक्कत आई उनको बताया गया। उन्होंने कहा, इस केंद्र से बेसिक शिक्षा में बड़ा बदलाव आएगा और परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की नियमित निगरानी की जाएगी। इसके साथ साथ मनरेगा, NARLM सहित अन्य स्कीम जो पंचायती राज की चल रही है, उसकी भी मॉनिटरिंग यहां से किया जाएगा, जिसमें सचिव की हाजिरी को भी चेक किया जाएगा और शासन के द्वारा चल रही योजनाओं की भी यहीं से मॉनिटरिंग की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, भारत सेंटर के द्वारा जो हम लोग 1 अप्रैल से पूरे परिषदीय विद्यालयों पे लर्निंग आउटकम को लेके जो मॉनिटरिंग का स्टार्ट कर रहे हैं, उसको लेके आज टेक्निकल टीम बेंगलोर से आई थी। टेक्नोसिस और अदर जो दीक्षा ऐप जिन्होंने बनाई है, इस टीम के साथ जो पिछले 3 महीने का अनुभव है वो शेयर किया गया और जो इसमें चैलेंजेस आए हैं उनको बताया गया। इसको इम्प्रूव करते हुए अगले हफ्ते से, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, हम लोग हर परिषदीय स्कूल में हर बच्चे के लर्निंग आउटकम की मॉनिटरिंग स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो विकास भवन के द्वारा मनरेगा, NARLM और अन्य स्कीमें चल रही है पंचायती राज की, और उसमें हम लोग उसकी मॉनिटरिंग भी इसी कंट्रोल रूम से शुरू कर रहे हैं, जिसमें सचिव की अटेंडेंस, सचिव अपने रोस्टर के हिसाब से पंचायत भवन में बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, रोजगार सेवक द्वारा, महिला मेटों द्वारा वर्क साइट पे मनरेगा पे काम कब शुरू किया जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग, और जो बाकी स्कीमें डेवलपमेंट की विकास भवन से चलती हैं या विकास से मॉनिटर की जाती है उसको किया जाएगा। तो ये शुरुआत हम अगले हफ्ते
से कर रहे हैं। इसी के लिए हम लोग इसको सुदृढ़ बनाने के लिए ये टीम को बुलाया है और आज अभी एक घंटे और डिस्कशन होगी। सर, किस तरह से कार्यकर्ता है ये जो कार्यक्रम है, जो आगे हम लोग मॉनिटरिंग सिस्टम प्लेस कर रहे हैं उसको लेके हम इस सिस्टम को सुदृढ़ कैसे बनाएं, इसमें हमारे जो फ़ोन कॉल्स हैं, जो फ़ोन कॉल होंगे डेली, उसका कैसा पैटर्न होगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करके फाइनल की गई है। अभी जिलाधिकारी महोदय भी आएंगे, वो भी इसमें अपना जो है पूरा इसको फाइनल करेंगे।